Okay guys, let's move to our next question. Question number 4. ABC is a triangle in which altitude B and CF to sides AC and AB are equal. दो altitudes दिए गए हैं, BE जो AC पे है और CF जो AB पे बराबर है, मतलब CF बराबर है BE के. हमें क्या बताना है, ट्राइंगल ABE कौन गारंट है? ट्राइंगल ABE ये कौन गारंट दिखाना है? ट्राइंगल ACF. ओके, तो क्या करेंगे, इन दो ट्राइंगल्स की अलग से डायग्राम बनाएंगे. पहले ट्राइंगल ABE, ओके, ABE यहां पे 90 है बिकॉज BE जो है वो AC पे आल्टीट्यूड है. उसके बाद ट्राइंगल ACF, इसकी अलग से डायग्राम बना लो, ACF और यहां पे 90 है. ओके, इन दोनों को कौन सा एंगल दिखाना है? पहले एंगल ए, एंगल ए कॉमन है, देखो दोनों में एंगल ए, ठीक. एंगल AEB इज इक्वल टू AFC, दोनों 90 डिग्री है. ओके, और वहां से दिया गया है BE, ये वाला साइड दिया गया है BE, दिया गया है CF की एक गिवन है. तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए. तो हमारा पहला पार्ट खत्म. तो लिखेंगे सबसे पहले हमें क्या गिवन है, गिवन है हमें BE बराबर है CF के. ओके, तो आते हैं इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF. एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, कॉमन है दोनों में. ओके, एंगल A एंगल A के बराबर है, एंगल AEB बराबर है एंगल AFC, ईच 90. ओके, उसके बाद BE बराबर है CF, तो हम लिखेंगे गिवन है, देयरफॉर बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACF के. तो हमारा पहला बार AB दिखाना है AC, AB AC के बराबर. जब ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होंगे. तो क्या लिखेंगे, देन AB इज इक्वल टू AC क्यों, बाय CP CD. ओके, हेंस